और अब आगे बढ़ते हैं। कीव, खार्किव और ओडेसा भूल जाएंगे। यूक्रेन में इससे भी बड़ी विध्वंसक जंग और तबाही से बुनियाद रखी जाएगी, इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है। युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन डोनबास में ऑपरेशन एक्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ऑपरेशन एक्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑपरेशन एक्स को लेकर के। दरअसल कीव फतेह में नाकाम पुतिन और उनके कमांडर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, और इसी वजह से रूस अब पूरी तरह डोनबास पर फोकस करना चाहता है। और इसलिए इससे पहले आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि रशियन आर्मी की अब जो पोजीशन है उसे चेंज की जाएगी, रीपोजिशनिंग पर काम कर रहा है नई स्ट्रैटेजी के साथ। लेकिन रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन को जीतना भी इतना आसान नहीं है। इस बीच डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन भी खुद को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। हम देख भी रहे हैं कि लगातार यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है, और ऐसे में डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं राजधानी कीव और खार्किव, साथ ही ओडेसा जो सिटी है, वहां पर भी रूस को पीछे धकेलकर यूक्रेन के हौसले बुलंद है। इन्हीं हौसलों की बदौलत इतना लंबा खिंचता हुआ ये पूरा युद्ध नजर आ रहा है, और डोनबास की चुनौती को भाप कर अब बड़े युद्ध के लिए तैयारी की जा रही है रूस की ओर से। जाहिर है कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, और अब पुतिन अपनी सेना को ये आदेश दे चुके हैं कि अब नई और मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। और इस बीच डोनबास को लेकर यूक्रेन के प्रोफेसर का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, डोनबास में सदी की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, ये दावा किया जा रहा है। डोनबास में जो हो रहा है वो बहुत भीषण है, जो अब तक नहीं हुआ वो डोनबास में होगा। रूसी और यूक्रेन के हजारों सैनिक आमने सामने होंगे डोनबास रीजन में। बहुत जल्द यूक्रेनी डोनबास में शुरू होगा युद्ध, और अगले हफ्ते ये जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी, भीषण हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।